गाइस इस वियर्ड पोजीशन में इसलिए बिकॉज ये कैमरा ऐसी सेट हो रहा है, बट अभी शाम के 5 बज चुके हैं। वो अपनी फ्रेंड के घर गई है, उसकी मम्मा ने स्विमिंग पूल लगाया घर के बाहर, तो वो लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, मज़े कर रहे हैं बड़े। पर डिनर बन चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अभी क्या बनाया डिनर पे। मैंने एक बहुत अच्छी, कितने समर्स आ गए तो मैंने सोचा कोई समरी समरी ड्रिंक पी जाए, तो मैंने एक समर की ड्रिंक बनाई है बहुत अच्छी सी, आई विल शो यू दैट एज वेल। सो ये इसमें अभी दिख नहीं, अभी इतनी अच्छी लग नहीं रही, पर बहुत अच्छा टेस्ट करती है। दिस इज पाइनएप्पल मैंगो मोहितो काइंड ऑफ अ ड्रिंक। अभी इसमें आइस जाएगी और मिंट जाएगा, जो कि मेरे पास है नहीं, बट अरविंद विल गेट इट। बट और यहाँ पे आज डिनर में है सैलेड। अभी इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करनी है मैंने, और इसमें फिश भी ऐड होगी। टू बी चीज़ें खाती हूँ, यहाँ पे लकड़ी के मकान होते हैं ना, तो ये ज़्यादा ख़राब हो रहा था बारिश और स्नो से फ्लोर, तो अब तो ये सूख चुका है तो मैं जा सकती हूँ बाहर। बट ये अरविंद ने करा है सारा पेंट कल, आई होप ये सूख चुका है, थोड़ा सा गीला लग रहा है तो बाहर नहीं जाते। पर ये जी पहले जैसे लकड़ी का रंग होता है वैसा था, और ये ना थोड़ा ब्लैक सी होने लगी थी, ख़राब सी, पर जब अरविंद ने एकदम चमका दिया कल पेंट करके, और अब हमारी लकड़ी बालकनी हमारी ख़राब नहीं होगी। यस, और बालकनी का सामान ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के सिलेंडर कैसे होते हैं। गाइज ये हमारा बारबेक्यू है यहाँ पर ये देखिए, इसके साथ का ये एलपीजी गैस सिलेंडर यहाँ पे कुछ इस टाइप के होते हैं, प्लास्टिक के, भारी तो है ये भी इंडिया के सिलेंडर्स की तरह। गाइज बालकनी पेंट हो गई थी जैसे मैंने आपको दिखाया, और अब टाना पूरी सेट हो गई है। अभी थोड़े प्लांट्स वगैरह लगाना है यहाँ पे, पर यस आई थिंक अच्छी लग रही है। अभी यहाँ पे हमने ये चटाई बिछाई है, और यहाँ पे थोड़ी ग्रीनरी, एंड आई थिंक इट लुक्स नाइस। ग्रिल को अभी हमने ढक के रखा हुआ है, जब यूज़ करेंगे तो फिर ये। पर मैं आपको मेरी नेबर की पहल करनी दिखाऊँ थोड़ी सी, तो ने बहुत अच्छी डेकोरेट करी है। आपको लग रहा होगा मैं क्या तामझाम यहाँ पे करके बैठी हूँ। एक्चुअली हमारी डॉटर का बर्थडे आने वाला है, तो हमने कुछ लोगों को इनवाइट करा है, उसके बारने आगे जो उसका किंडरगार्टन है, उसके जो फ्रेंड्स हैं वहाँ पे उनको इनवाइट करा है, तो उनके लिए मैं कुछ यहाँ पे तैयारियाँ कर रही हूँ। सो मुझे लगा कि मुझे व्लॉग करना चाहिए इसका, और आई शुड शेयर इट विद यू गाइस कि नॉर्वे में हम बर्थडे पार्टीज कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सो फर्स्ट पहली बात तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्वे में ना मुझे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ की बर्थडे पार्टी बहुत सिंपल होती है। जैसे हम बचपन में वहाँ हमारे बर्थडे होते थे ना, कि आस पड़ोस के लोगों को बुलाया घर पे, केक दिया, घर पे खाना बनाया, वो सर्व करा, वैसे होते हैं, दे आर नॉट वेरी लाइक लाउड। एक चीज़ दिखाती हूँ, ये रिटर्न गिफ्ट्स कुछ इस बार उसकी थीम है बारबी डॉल थीम पार्टी है, और इसके अंदर ये होता है, इंग्लिश में उसको बोलेंगे कैंडी बैग्स, तो इसके अंदर बहुत सारी कैंडीज डाली जाती है, तो बच्चे जो आते हैं उनको रिटर्न गिफ्ट देने के लिए। मैं बोल रही थी कि आज उसका बर्थडे है बेसिकली, तो हम मंदिर जाने वाले पहले, जो कि यहाँ से काफ़ी दूर है, पर हम चाहेंगे आप लोगों को भी दिखाएंगे यहाँ का मंदिर कैसा होता है, कि मंदिर में पूजा वगैरह करवाएंगे थोड़ी बर्थडे वाले दिन, क्योंकि जब हम छोटे थे मैं और संजना, मुझे याद है मेरे घर वाले हमेशा बर्थडे वाले दिन हमारी पूजा करवाते थे, तो अभी तक तो मुझे लगता है कि अगर बर्थडे वाले दिन पूजा नहीं करवाई पंडित जी से, तो लगता है कुछ मिसिंग है लाइफ, बर्थडे ढंग से सेलिब्रेट नहीं हुआ। और फिर अगले सैटरडे को वीकेंड को आएगी उसके फ्रेंड्स, और तब उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे, क्योंकि शादी होने वाली है यहाँ पे। आई थिंक तो ये हम पहुंच गए मंदिर। इस वक्त यहाँ पे मंदिर पे कोई भी नहीं है, क्योंकि हमने पंडित जी को फोन करा था कि हमने अपनी बेटी की बर्थडे की पूजा करवानी है, तो उन्हें हमें थोड़ा सा जल्दी बुला दिया था। नमस्ते दोस्तों, सुहानी सुबह देखिए मेरे पीछे, और आज है जी एवा का बर्थडे,
छः साल की होगी लड़की, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं उसका बर्थडे। इस बार हमने सिर्फ जो है इसके किंडरगार्टन के बच्चों को ही बुलाया है, और अब ये स्कूल जाने वाली है तो आपको वो वाला ब्लॉग भी दिखाएंगे, इसका पहला दिन जो था स्कूल में वो कैसा रहा। तो मेरा काम जो होता है, मेरा काम है सफाई का इससे पहले कि लोग आए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं चहल पहल, और हमने 1 बजे को लोगों को बुलाया हुआ है। तो मैंने थोड़ी सी सफाई करनी है, अपनी जो गैलरी है वो सेटअप करनी है अंदर। यहाँ झाड़ू पोछा नहीं मारना पड़ता क्योंकि उसके लिए हमारे पास आयरुबो है, वो सब कर लेता है, तो मेरा थोड़ा सा काम बचता है। बट खाना जो है खुद बनाना पड़ता है, और वो है जी शैलजा जी खाना बना रही है, और डेकोरेशन का काम भी उसका ही है क्योंकि शी इज़ बेटर देन मी। तो आज के दिन बस आपको यही दिखाएंगे, और एवा जो है अभी उठी नहीं है सो के, वो स्टिल सो रही है। तो आज का दिन एवा 6 साल की, हैप्पी बर्थडे टू एवा। तो जी ये हमने क्या बताया, ये मैंने गैलरी से जाती है पूरी बड़े अच्छे से, इतना कुछ फैंसी नहीं है इसमें। बट एक जो चीज़ मैंने करी है इस बार वो है कि इसको कलर करा है मैंने, इसी कलर का ब्लू, सॉरी ग्रे सा कलर। तो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पे ये बहुत आवश्यक है कि आप सेम कलर ही करें। तो जब आपका घर ऐसे होता है जैसे कि सोसाइटी हमारी ये पूरी, तो आप कुछ भी कलर अपनी मर्जी से नहीं चला सकते, आपको जो है एक प्रॉपर पैटर्न के साथ चलना पड़ता है। और ये है जैसे कि इनिशियली इसका कलर जो था वो कुछ अंदर से अगर आपको दिख रहा है वो ऐसा सा था, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा कर दिया है वो, और ये इसलिए ताकि ख़राब ना हो बारिश में। यहाँ पे हमारे जिसको हम बोलते हैं बाहर का फर्नीचर वो आ चुका है, वो हमारा जब आपको बारबेक्यू करना है ये, और ये छोटा सा हमने ऐसे ही एस्थेटिकली इसको अच्छा बनाने के लिए वो कर दिया है। और अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ कि शैलजा ने क्या कर दिया है, शैलजा ने ये सजा दिया है। तो दोस्तों बर्थडे की थीम कौन सी है, गेस करके बताइए फटाफट, क्या वो बारबी की थीम है या फिर यूनिकॉर्न की थीम है। हर टाइम थीम्स होती है, तो इस बार है जी जैसे कि आपने गेस कर ही दिया होगा, डिफरेंट तरीके की बारबीज लगाई हुई है शैलजा ने। ये है जी इंडियन बारबी जिसने साड़ी पहनी है, ये थोड़ी अमेरिकन बारबी होगी वेस्टर्न, और ये है मोमेड्स। तो अगर आपकी बेटी होगी तो आपको सब पता होगा कि क्या क्या चीज़ें। यहाँ पे पॉपकॉर्न बना दी चुके हैं, ये देखिए कितना सही, शैलजा क्रिएटिव तो है, उसको मैं पूरे अंक दूंगा इसमें हैप्पी बर्थडे का वो। और अभी घर की हालत इतनी साफ नहीं है, पोचा और झाड़ू मार दिया गया है, और यही जो हमारे भाई हैं अभी यहाँ से वो ऊपर वाले फ्लोर में हैं, और एवा उठ चुकी है, और मैंने भी अपना काम थोड़ा साफ सफाई का कर ही दिया है। ये चीज़ इस साइड जो है, ये दूसरी हमारा व्यू सोसाइटी का। तो अभी मेरे को ये जो सारी है इसकी बाइसिकल है, तो एवा इज़ लाइक ऑब्सेस्ड विद, जैसी होती है आना एल्सा पिंक कलर, ये सब ये एवा की पिछले साल की साइकिल थी जो हमने उसको बर्थडे पे दी थी। और अब बहुत बड़ी उपलब्धि ये है कि वो बिना बैलेंस व्हील्स के जो कि यहाँ होते हैं, शी कैन राइड इट बाय हरसेल्फ, और स्कूल वैसे ही जाएगी। और शैलजा ने ये भी लगा दिया है यहाँ कि वेलकम मिंथिल आवाज़ बुर्शटाक, तो मतलब ये नौश्क है, इसका मतलब है कि जी वेलकम टू आवाज़ बर्थडे। और ये चीज़ जो है ये मैंने लगाई है यहाँ पे, टाटा टाटा, ये मैंने अपने ऑफिस से जो है, हमारे ऑफिस में मेकर स्पेस है, वहाँ पे लेज़र प्रिंटर है, वहाँ पे मैंने वो किया। तो 86 हमारा हाउस नंबर है, और कैपरेट तो इन्हें पहचान, इनकी इनकी क्या बोलते हैं इसको, कि इन्हें यार देयर इज अ सेइंग राइट कि इनकी पहचान इनके नाम से ही है। और बस यही है, अभी लोग आएंगे थोड़ी देर में। यहाँ पे सफाई मेरी तरफ से तो हो चुकी है, और क्या बताऊँ आपको, बाकी अब देखते हैं ज़रा कि किचन का काम कैसा चल रहा है। देखूँगा ये क्यों, ये क्या किया तुमने, फ्रिज में देखो पता चलेगा। फ्रिज में इसने वाश आलू, एक टेस्ट कर लूं? नहीं प्लीज। क्यों? नॉट येट यार, ये वाला किसी को पता नहीं लगेगा, इक्वली स्पेस कर दूंगा। ये बना दिए शैलजा ने, और अभी शैलजा क्या बना रही है, अभी पोटैटो और बीट रूट, मैं चाह रही हूँ कि हेल्दी वो बनाए, पोटैटो और बीट रूट के ऐसे मेक लाइक बॉल। बीट रूट को वो क्या बोलते हैं हिंदी में, चुकंदर, चुकंदर। दोस्तों आप बताओ क्या बोलते हैं, चुकंदर तो बोलते हैं, कुचंदर, कुचंदर, चुकंदर, चुचुंदर, चुचुंदर, पता नहीं। तो ये सैंडविच बना रही है लड़की, फिर ईटिंग। कितने साल के हो गए आप, हाउ ओल्ड आर यू नाउ? 6 साल, अरे वाह। और स्कूल जा रहे हो इस साल? नहीं। क्या नहीं? नहीं पर अगस्त में। हाँ हाँ, तो है तो इसी साल, यू आर गोइंग इन अगस्त, तो स्कूल के लिए एक्साइटेड हो आप राइट? ओके, आज बर्थडे बहुत
तुम्हारी फ्रेंड्स चींची करती है? कौन सी फ्रेंड्स? मैंने पता मैं नहीं पता। अब देखिए कितनी अच्छी हिंदी बोल रही है एवा। चलो देखो बेटा और ये खा लो पूरा। और अंदर वाले कमरे में मेरा काम बच रहा है क्योंकि अपना जो भाई है कहाँ गया, ये भी मैंने बनाना है सब कुछ, वो अंदर काम कर रहा है। आई थिंक इसके लिए आई जस्ट प्रेफर दिस द मोस्ट। देखिए क्योंकि आप बेड के अंदर जा नहीं सकते, भाई अंदर से सफाई करेगा डीप। तो वेरी गुड, टेक्नोलॉजी का सही फायदा लेते हुए यहाँ पे हम। सो गाइस टेबल इज ऑलमोस्ट रेडी, केक रह गया, केक हमारे फ्रेंड्स लेके आ रहे हैं। एंड यहाँ पे आई वांट टू शो यू, दिस इज लाइक ड्रिंक्स का सेक्शन, बच्चों के कप्स और उनके नाम लिखे हैं मैंने सब में ताकि कप्स मिसप्लेस ना हो। और एवा की एक फ्रेंड आ गई है यहाँ पे, ये बाकी फ्रेंड्स का वेट कर रहे हैं। और वे तो ऑल डन, तो वैसे लास्ट मिनट दे आर एक्साइटेड, इनका फ्रेंड आ गया है। ये है जी काके और ये छोटे भाई जय भाई भी आ चुके हैं, मृणाली बहन। तो ये जी सजावट गैब्रियल भाई भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सो गाइस केक वगैरह कटने के बाद, खाना खाने के बाद सारे बच्चे यहाँ पे मिलके गिफ्ट्स खोल रहे हैं, जो गिफ्ट्स एवा को आए हैं। बच्चों की शक्ल मैंने ब्लर कर दी है बिकॉज बच्चों की शक्ल दिखाना नॉर्वे में विदाउट देयर मॉम एंड डैड्स परमिशन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। बट आई होप आपने आज का व्लॉग एंजॉय करा होगा। मिलते हैं जल्दी ही नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।